पैरों को बांधे भेड़िया, बताए सौ कहानियां। तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर कैसा है ये सफर। सो हेलो गाइज एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइज ऑल आर फाइन एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। हमारा चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और एक अलग ही लेवल पे कनेक्टिविटी मिलती है आप लोगों के साथ। एंड इस वीडियो के साथ साथ मैंने ड्रोन शॉट्स पे भी काम करना शुरू कर दिया गाइज, तो प्लीज लेट मी नो हाउ आर दी ड्रोन शॉट्स। एंड एट द सेम टाइम लास्ट वीडियो को नोटिफिकेशन शाउट आउट जाता है सम्राट भाई को, तो सम्राट भाई थैंक यू सो मच। एंड इफ यू वांट अ नोटिफिकेशन शाउट आउट यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन बिलो। सो गाइज आज संडे एंड आज हमारा प्लान बन रहा हाथी पाऊ का। देहरादून में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी एंड हाथी पाऊ एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर थोड़ी ठंडी जगह है, तो वी आर प्लानिंग टू गो देयर। एंड आज हमारे साथ क्रिश भैया एंड भव्या भी होगी, तो लेट्स गो फॉर अ राइड। सो गाइज हियर वी आर ऑन अ ट्रिप टू हाथी पाऊ एंड आज हम लोग हाथी पाऊ जा रहे हैं एंड यू विल सी सम ड्रोन शॉट देयर। We have got Chris भैया with us today and इनका YouTube चैनल है Invincible Chris, बहुत ही तगड़े ड्रोन शॉट्स बनाते हैं लोग और बहुत ही तगड़ा कंटेंट है, तो गो सब्सक्राइब हिम। हेलो भैया क्या हाल है? हेलो एंड वी हैव गॉट भव्या। चलो कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चंट कर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। सो गाइस अभी हम लोग किमारी जा रहे हैं एंड अभी हम लोग रास्ते में एंड हेयर वी हैव गॉट क्रिश भैया जो ड्रोन उड़ा रहे हैं अभी अपना। एंड जितने भी शॉट्स आप इस वीडियो में देखोगे ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि इनका ड्रोन है एंड बहुत ही तगड़े शॉट्स ले रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम वी हैव गॉट भव्या हेयर। सफर कैसा है ये सफर, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किमारी वाले रास्ते में और अभी हम लोग यहाँ पर मैगी खा रहे हैं। हम लोगों ने मैगी ऑर्डर करी है बिकॉज इस मौसम में मैगी खाना इट्स अलग ही मज़ा आता है। तो इसके बाद अभी 2-3 किलोमीटर्स और बचा है किमारी का एंड तब तक के लिए आप एंजॉय द ड्रोन शॉट। पैरों को बांधे भेड़िया, बताए सौ कहानियां, तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढाने का सब आसमान है, तो इस ज़माने का गुजर, ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर, सफर यार हमारा ड्रोन नीचे अटक गया। यहाँ पर बेसिकली जीपीएस के सिग्नल नहीं आ रहे तो ड्रोन बीच में अटक गए एंड वो ऊपर नहीं आ रहे, तो जहाँ पर मैं नीचे वाले शॉट दिखा रहा था पहले तो अब वहाँ पर ड्रोन को लेने जाना पड़ेगा एंड भयंकर इतना नीचे जाना पड़ रहा है ड्रोन को लेने के लिए। ओ माई गॉड कहाँ से जाएंगे कहाँ से, वी विल गो फ्रॉम हियर एंड एज यू कैन सी ड्रोन वो रहा हमारे पास वहाँ पर। ओफ होप इट डोंट क्रैश, तो वो रहा हमारा ड्रोन एज यू कैन सी, तो अब लेने जाते हैं ऐसे फटाफट एंड शिट मैन द रोड इज नॉट गुड हेयर। भैंस की टांग ब्लॉग्स बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर जाना पड़ते
मर गए थे भी भयंकर शिट भाई गॉड गया था सीधा नीचे भी और नीचे देखते एकदम से पकड़ना पड़ेगा आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट ड्रोन्स ओके सो उल्टा करके टर्न ऑफ हो जाता है पूरा वेयर वर यू ड्रोन वेयर आर यू डोंट गेट लूज पैरों को बांधे बेड़िया बताए सा कहानियां तो रोशनी तुरंग है तोड़ रही पतंग है सो हियर वी हैव गॉट क्रिश भैया जब मुंबई करने के लिए 25,000 सब्सक्राइबर्स थे तो क्रिश भैया वॉज दी फर्स्ट वन टू राइड विद देम एंड देहरादून से पहले बंदे थे जिन्होंने उनके साथ राइड करी थी वापस मुंबई आते में एंड देहरादून से अकेले गए थे मुंबई लाइक उनसे मिलने और उनके साथ वापस आए थे तो अच्छा लग रहा है इनके साथ राइड पे और ये लग रहा है स्कूल में एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर है तो भयंकर पता ही नहीं चलता भयंकर भैया की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा कूल है एंड बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है इनसे मिल करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इनसे तो अच्छा लगता है यार जब इतने बड़े लोगों के साथ चल रहे हैं एंड भी आपको भी मज़ा आया एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से समथिंग चलो मैं हिंदी में बोल देता हूँ सी आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये काम कर रहा है आप वीडियोज़ देखते हैं नेट पे तो कई बार आपको लगता होगा कि कितना आसान काम है बस कैमरा उठाओ और बस शूट करना शुरू करो बट रियल थिंग बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है कि हर शूट के लिए कितने आप रीटेक करते हैं कितनी इमेजिनेशन लगती है कितना हार्डवर्क लगता है आपको बार बार देख सोचना पड़ता है किस एंगल से कैमरा लिया जाए क्या बोला जाए रीटेक्स लेने पड़ते हैं फिर उसके बाद एडिटिंग सो बहुत सारे एफर्ट्स ले रहा है एंड यूके रिटर्न राइडर एंड डेफिनेटली ये हमारे उत्तराखंड का नाम जरूर रोशन करेगा बिकॉज ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई ब्लॉग जो लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन बिकॉज फेमस होना इतना मुश्किल नहीं है बट फेमस होने के बाद उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज फेमस होने के बाद लोग के अंदर एटीट्यूड आ जाता है जो अनुराग के अंदर बिल्कुल भी नहीं है इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन सो डू जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करें इसके वीडियोज़ को शेयर करें थैंक यू सो मच भैया यार बहुत अच्छा लग रहा है दिल से बहुत खुशी मिल रही है लाइक भैया ने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया होप आपका सपोर्ट आगे ऐसे ही मिलता रहेगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बी सेफ एंड राइड सेफ पैरों को बांधे बेड़िया बताए सा कहानी।